प्रॉब्लम, जिसमें आज हम एक रेमेडी बनाने वाले हैं, तो इनको हम ग्राइंड करने के बाद मिलते हैं। ये हमारे आंवले चॉप्ड हो चुके हैं। ये मैंने लिए 10 से 20 आंवले, और जो इनकी सीड है मीन्स वो इस तरह है, इनको धूप में रख देंगे तो ये ड्राई सीड बन जाएंगे आंवले की, और इसको फिर अपने इसको जो यूज़ है उसका मैं यूज़ आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखो आप लोग, ये ना आंवले का जूस निकल के आ चुका है, आप लोग देख सकते हो कितना थिक लग रहा है। अब इसका जो आगे यूज़ होने वाला है ना, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली आंवला जूस निकाल लिया है, और जो इसका वेस्ट था, वेस्ट मटेरियल, फेवरेट मटेरियल, तो मैंने उसको सेपरेट करके जिसका आंवला जूस निकाला, आप लोग देख सकते हो उसी की रेसिपी है, ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल। और अब हम इसको, आप चाहे तो आप इसको पीने के लिए निकाल सकते हो, या फिर आप अपनी मेहंदी में डालने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने तो अपने पीने के लिए पहले से निकाल के ही रखती हूँ, और अब इसको मैं मेहंदी के लिए प्रिपेयर करने जाती हूँ। चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, ये मैंने लिया है लोहे का बर्तन, जिसमें हम ऐड करने वाले हैं आंवला पानी। आप देख सकते हो ये पहले से ऑलरेडी ब्लैक है, बिकॉज ये खुद आयरन है, मैं हर बार अपनी रेमेडी में यह यूज़ करती हूँ। और इसमें आंवला वाटर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है मेहंदी फूलने के बाद, इसको बॉयल पानी तो डाल नहीं सकते हैं, तो यही वाटर ऐड करना पड़ेगा। मैंने लिए 2 नूपुर की पाउच, इसमें अब मैं इसको ऐड करने जा रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स करने जा रही हूँ, और इसमें मैंने ऐड किए हैं ओनली 2 पैकेट्स, बिकॉज ये सिर्फ आपको जड़ों में ऐड करना है और कुछ नहीं करना है आपको। देखो फ्रेंड्स, अभी भी ये इसमें थोड़े थोड़े लम्स हैं, क्योंकि ये कुनकुन आपने ही था, ना ही बॉयल किया था मैंने इसको, डायरेक्ट ही आपके सामने ही मैंने इसको निकाला है, आप देखिए उसको, तो थोड़े थोड़े लम्स आपको मिलेंगे, तो आपको अच्छे से आपको स्ट्रेट करना है। मिक्स करने के बाद आप लोग चाहे तो आप लोग इसको अभी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 2 आवर्स के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको मेहंदी ब्लैक ही आप लगाते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो बर्तन है जिसमें मैं अपनी मेहंदी फैलाती हूँ, वो लोहे का है, मीन्स आयरन का है, तो जब आंवला रिएक्ट करता है तो वो ब्लैक कलर फॉर्म करता है। तो अब अगर हम इसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं ना, तभी ये ब्लैक कलर इसमें आएगा। अगर आपको ज़्यादा चली है, आप चाहते हैं कि मुझे उसका रिजल्ट देखना है, तो आप अभी ट्राई कर सकते हो, उसका रिजल्ट अभी भी बहुत ही अच्छे आएंगे, और आप वैसे करोगे तो भी आपको उससे अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, बस वैसे ही। जब तक अच्छे से मिक्स हो रहा है, आप लोग अपना काम कर लीजिए, मीन्स आपको अपना लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो, और बहुत सारा शेयर करना है। मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ कि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छा क्या लेकर आऊँ, जो मीन्स जैसे ये रेमेडी इफेक्टिव है, ठीक है, और ये एकदम नेचुरल है, मैंने इसमें कोई लेवेंडर ऑयल कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं किया है। आंवला दुनिया भर में फेमस चीज़ है कि ये बाल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैंने डायरेक्टली इसमें मेहंदी इसमें भिगो के रख दी, वो आप लोग डायरेक्ट ही लगाओ, बाल छोटे कैसे ठीक नहीं होंगे, ट्राई तो करो। और वैसे भी जिस चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, वो आराम से अपने आपको मिली जाती है। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है सीखने वाले, बाल तो और ज़्यादा जिद्दी होते हैं। तो आप लोग ट्राई करो, शेयर करो और लाइक दो, मुझे अच्छे से कमेंट्स बताओ। देखो अभी से ना ये ब्लैक होना स्टार्ट हो गया, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो यहाँ पे, अब जैसे जैसे ये टाइम होता जाएगा ये ब्लैक होती जाएगी। इसमें मैंने कोई स्किप नहीं किया है, ये आप लोग चेक कर सकते हो, मेरी वीडियो अभी भी कंटिन्यू में ही चल रही है, और ये आप लोग देख सकते हो कि ब्लैक होना स्टार्ट हो गया, ये आप लोग कलर देख सकते हो ये। तो आप लोग सोच ही सकते हो, जब ये ऐसे में ही आपको इतना इफेक्टिव दिख रहा है आपके सामने ही 3-4 मिनट की वीडियो में ही आपको कलर दे रहा है, तो अगर आप इसको रेगुलर लगाना स्टार्ट कर दोगे, आपके बाल, इनफैक्ट बालों का जो कलर ब्लैकनेस है वो और एनहेंस हो गया आपके पास आएगा। ओके, आप लोग ये रेमेडी ट्राई करो और मुझे बताओ आप लोग रिजल्ट्स कैसे हैं, आप लोग शेयर करो, और मुझे ना आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मेरे चैनल पर भी इतने व्यू नहीं हो पाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।